देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू, और रूबरू में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी घटनाक्रम की जिसने पटना से लेकर सिवान तक हलचल मचा दी है। तो वो क्या चीज़ है? पटना में चर्चा है कि बेगम के सामने लालू परिवार ने सरेंडर कर दिया। क्या क्या हुआ? आधे घंटे की एक जो गुप्त वार्ता हुई है, गुप्त मुलाकात हुई है, उसमें कौन कौन सी सियासी खिचड़ी पकी, खिचड़ी पक पाई या नहीं पक पाई, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिवान से जुड़े हैं वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट सरफराज भाई। उनसे हम जानेंगे कि जो मुलाकात हुई है इसके सियासी मायने क्या हैं, क्या सिवान की राजनीति में एक बार फिर से नई करवट आने वाली है, नया सियासी पटकथा वहाँ लिखा जाना है, क्या होने वाला है सरफराज भाई इस मुलाकात के बाद सिवान की पॉलिटिक्स में? देखिए सरोज जी, आपको बता दें कि हेना साहब परसों मुलाकात की हैं लालू यादव से। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आपको बता दें कि ओसामा साहब भी खुद वहां पे मौजूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये कह सकते हैं कि सिवान की राजनीति से जो चीज शुरू होता है, यानी हेना साहब हो या फिर उनके बेटे ओसामा हो, सिवान से भले ये बैठक पटना में हो रहा हो लेकिन इसका असर पूरे बिहार पर देखने को मिलेगा। यानी पूरे बिहार के राजनीति में कहीं ना कहीं अब इसकी आपको वानगी देखने को मिलेगी। जी सरोज जी, देखिए एक बहुत ही मार्केबल बात है सरफराज भाई कि मुलाकात 10 सर्कुलर रोड में नहीं हुई है। हेना साहब या ओसामा साहब 10 सर्कुलर रोड नहीं गए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जो MLC हैं जायसवाल जी, उनके यहाँ आना पड़ा हेना साहब से मिलने के लिए, विनोद जायसवाल के घर पर आना पड़ा। ये क्या कहानी क्या कहती है, ये कहानी क्या कहती है, इसको समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि लालू और तेजस्वी को विनोद जायसवाल के घर आना पड़ा, ना कि हेना साहब को 10 सर्कुलर रोड जाना पड़ा। देखिए सरोज जी, जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ, तब से लगातार जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, RJD पर यह आरोप लगा रहे थे कि लालू परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं जो रवैया है शहाबुद्दीन परिवार को लेके वो सही नहीं है, यानी जिस तरह का रवैया अपनाना चाहिए वो चीज नहीं है, जिसको लेके लगातार दूरियां बनती चली गई। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि हेना साहब ने साफ तौर पे मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं राजद में जाने वाली नहीं हूँ, यानी ये बात तय था कि वो राजद में नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो MLC विनोद जायसवाल के अब जिक्र कर रहे हैं, तो MLC विनोद जायसवाल का बड़ा भूमिका माना जा रहा है इसमें। MLC विनोद जायसवाल इसलिए उनके घर पर मुलाकात हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या लालू परिवार का भी ईगो कह सकते हैं, या फिर हेना साहब या ओसामा का भी ईगो कह सकते हैं, जो एक दूसरे के बीच, यानी ना तेजस्वी यादव हेना साहब के यहाँ आएंगे ना हेना साहब तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे, तो एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। तो बीच का रास्ता निकालने में विनोद जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई है। आपको पता होगा सरोजी, जब विनोद जायसवाल MLC चुनाव लड़ रहे थे तब हेना साहब का बहुत बड़ा योगदान था, रईस खान चुनावी मैदान में थे और काफी अच्छा उनका पकड़ था रईस खान का, लेकिन बावजूद इसके जब हेना साहब मार्केट में घूमी तो इसका असर सीधा सीधा ये हुआ कि विनोद जायसवाल को जीत मिल गई। तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी भूमिका थी, इसीलिए विनोद जायसवाल ही इसमें बिचौलिए की भूमिका निभा रहे। जी सरोज जी, लेकिन सरफराज भाई आप खुद कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान साफ साफ ऐलान था हेना साहब को कि RJD से अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, विनोद जायसवाल ने पहल की, एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या दोनों की मजबूरी है, लालू प्रसाद तेजस्वी की मजबूरी है और ओसामा साहब और हेना साहब की मजबूरी है एक दूसरे के नज़दीक आना? बिल्कुल सरोज, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों को ही मजबूरी है, दोनों परिवार की। अगर कोई ये कहता है कि नहीं सिर्फ हेना साहब की मजबूरी RJD में जाना, तो ये भी गलत है, या फिर कोई ये कहता है सिर्फ तेजस्वी यादव का मजबूरी है हेना साहब के आना, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो परिस्थिति ये बनी है। जैसे हेना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ के भी देख लिया, जब उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा तब उनको लगभग 2,90,000 वोट मिले, यानी कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी विजय लक्ष्मी कुशवाहा थी वो चुनाव जीत गई।
तो हेना साहब को भी एहसास हो गया कि मेरा 2.5 लाख 3 लाख वोटर तो मेरे साथ है। तेजस्वी यादव को भी ये आभास हो गया कि बिना हेना साहब के मुस्लिम वोटरों को साथ पाना बहुत मुश्किल है। और 2025 चुनाव में ऐसे में लालू यादव चाहते हैं कि मैं अपने जीते जी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखूं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें माई समीकरण की भूमिका कितनी बड़ी है, और माई समीकरण की जब भूमिका निभानी है तो उसमें साबुद्दीन साहब का परिवार कितना हम हो जाता है ये आपको ही पता है। तो इसलिए फायदा तो नो डाउट दोनों को होने जा रहा है, क्योंकि हेना साहब भी हो सकता है अगर आरजेडी में गई हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हेना साहब चली गई होंगी, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, बंद कमरे में कुछ बात हुई होगी। आगे के सियासत क्या रहेगा, क्या पद मिलेगा इनको, इसको भी लेकर बातचीत हुई होगी, तो ही तो दोनों लोग सामने आए हैं। जी हम उसी सवाल पर आ रहे हैं सरफराज भाई, मुलाकात तो हो गई, बात क्या हुई, डील क्या हुई, क्या पॉलिटिकल डील हुई? पटना में तरह तरह की चर्चा है कि डील हुई है ना साहब और लालू प्रसाद के बीच में। आप चूंकि सारे मामले को बहुत करीब से देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर बंद कमरे में डील हुई क्या है ना साहब और लालू प्रसाद के बीच में? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? देखिए सरोज जी, उस बैठक में लालू यादव थे, तेजस्वी यादव थे, ओसामा साहब थे, हेना साहब थी, और एमएलसी विनोद जायसवाल थे। तो जी वे मालूम, लोग जब मीडिया के सामने आएंगे तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है, जो खबर हम लोग सुन रहे हैं उड़ते उड़ते, उसमें ये कहा जा रहा है कि हेना साहब को राज्यसभा भेजने की बात की गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 16 तारीख से राज्यसभा के लिए नामांकन होनी है, तो लेकिन उसमें ये सरफराज कहा भाई गया हम ये 30 सितंबर को संशोधन कर चुनाव होने दें, वाला राज्यसभा। सरफराज भाई लेकिन हम संशोधन कर जी दें कि जदयू जदयू जी। राज्यसभा में तो भेजने की स्थिति में लालू प्रसाद है ही नहीं किसी को, वो तो जेडीयू या भाजपा के लोग ही जा सकते हैं जो विधानसभा का बहुमत है उनके साथ है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। देखिए सरोज जी, मीसा भारती का जो सीट खाली हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, न कि आरजेडी को फायदा होने जा रहा है। यानी बिहार में जो 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई है, तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि वो राज्यसभा सीट पे हेना साहब को भेज दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस तरह की खबर लेके आए हैं, जो मार्केट में इस तरह की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ सरोज जी, तो उनको जी कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा सीट खाली हुआ है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को कम से कम 14 करोड़ वोट, मतलब विपक्ष के लोग को, मतलब विपक्ष के साथ आना पड़ेगा, जो सत्ता दल के लोग हैं उनको विपक्ष के साथ आना पड़ेगा। यानी 14 करोड़ वोटिंग होता है 14 विधायकों का, तब जाके आरजेडी का कोई जो मेंबर जो चुना जाएगा वो राज्यसभा सांसद बन सकता है, ये स्थिति बन रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है सरोज जी, जिस तरह की बातें चल रही है, तो मैं बातें बता रहा था आपको कि अंदर खाने क्या बात हुई ये छोड़ दीजिए, ये तो हेना साहब बताएंगे, ओसामा साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन उड़ते उड़ते खबर ये लोगों को लग रहा है कि राज्यसभा पर सहमति बन गई है, ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात पर सहमति बन गई है, या फिर अन्य कई सारे जो सीट हैं सिवान में, 8 विधानसभा सीट, उन सीटों का जो बंटवारा है वो शहाबुद्दीन परिवार करेगा, हो सकता है इस बात पर सहमति बन गई, मतलब कई तरह की बातें हैं। हालांकि जब तक हेना साहब आके सामने नहीं कहती हैं या ओसामा साहब, तब तक हम लोग खुल के नहीं कह पाएंगे क्या बातें हुई है। जी सरोज जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो बंद कमरे में बात हुई है, एक चर्चा ही हम लोग कर रहे हैं, राज्यसभा वाले बात में तो बहुत दम नहीं है, उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जो सिवान की सियासत है, सारण प्रमंडल की सियासत है, कहा यह जा रहा है कि जो बातचीत हुई है उसमें यही आश्वासन दिया गया है कि उधर की सियासत में हेना साहब को फ्री हैंड दिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, देखिए उनके करीबी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की थी, तो हम लोगों को तो यही जानकारी मिला कि जो सारण के तमाम सीट हैं, जी सारण के तमाम 24-25 सीट हैं, उन सीटों में राजद जहां से भी चुनाव लड़ेगी उसमें हेना साहब का इंटरफेयर रहेगा सीधे तौर पर। यानी जी हेना साहब की सहमति बनेगी तो ही उनको टिकट दिया जाएगा, यानी हेना साहब के बातों का मान रखा जाएगा टिकट बंटवारे का टाइम, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो आप पता चल ही जाएगा सरोज जी। जी जी तो इसका मतलब है कि एक दो चीज़ें बहुत साफ हो रही है कि नज़दीक जो दूरियां थी वो अब नज़दीकियों में बदल रही है ना साहब भी चाहती हैं कि अब राजद के साथ ही आगे की सियासत की जाए। अब बात है टर्म एंड कंडीशन की, तो जो चर्चा है
कि सारण के इलाके में उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, उनके लोग चुनाव लड़ेंगे, रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें तय हुई है। तो कहीं ना कहीं से ये फिर एनडीए के लिए एक कड़ी चुनौती हो सकती है। आपको क्या लगता है कि हेना साहब के आरजेडी खेमे में चले आने के बाद एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सारण प्रमंडल में? देखिए सरोज जी, न सिर्फ सारण प्रमंडल में है, लेकिन एनडीए के लिए देखा जाए तो पूरे बिहार में ही चुनौती बढ़ गई एक बार फिर से, क्योंकि हेना साहब जहां जहां पे भी उनका इंटरफेयर रहता है, बिना राजद में रहे, वहां सीधे एनडीए को फायदा होता, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। और जी। सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान प्रशांत किशोर को होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे ही हेना साहब ने, आप देखा कि हेना साहब और लालू परिवार में दूरियां बन रही हैं, तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मुसलमानों को लेकर बैठक कर रहे थे, मुसलमानों को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, यानी उनको लग रहा था कि जो मुसलमान आरजेडी से जो हट चुके हैं, आरजेडी से धीरे धीरे कट रहे हैं, तो प्रशांत किशोर चाहते थे कि उन मुसलमानों को कैसे भी अपने तरफ खींचा जाए। और मुसलमान भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दोमत की स्थिति में बने हुए थे कि हेना साहब कहाँ जाएंगे, क्या प्रशांत किशोर ठीक रहेंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन जैसे ही हेना साहब आरजेडी में आएंगी, आप देखिएगा कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे मुसलमान फिर हेना साहब के साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी इसका नुकसान होने जा रहा है और एनडीए को भी नुकसान होगा। जी सरफराज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरफराज भाई, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हेना साहब के नज़दीक आ जाने के बाद सारण प्रमंडल ही नहीं, पूरी बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होगा, और जो कमजोरी दिख रही थी माई समीकरण को लेकर, उस कमजोरी को दूर करने का पुख्ता इंतजाम उस बैठक में कर लिया गया है, और हेना साहब एक बार फिर सारण की पॉलिटिक्स की बड़ी सिकंदर बनकर उभरने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।